Over 4 decades in service to the nation, India's first 8-time women MP, 16th Lok Sabha Speaker are some of the accomplishments we can associate with eminent parliamentarian Sumitra Mahajan. Very recently, she was conferred with India's 3rd highest civilian award, Padma Bhushan, for her long-standing innings in public service. Interacting with PBNS, the eminent parliamentarian asserted how by facilitating grassroots heroes with Padma Awards are significantly contributing in uplifting the nation. ये बदलाव भी मैं आपको कहूँ ये तीन चार साल से आया है. पहले मैंने जो देखा था थोड़ा कि बड़े बड़े लोग रिकमेंड करते थे और मिल जाता था, सच बताती हूँ. लेकिन वास्तव में ये माननीय मोदी जी हो, उनकी पूरी टीम है, और ये जो कुछ सोच हुआ है कि जो वास्तव में काम करते हैं, तो उन वास्तव में लोगों को ढूंढ करके, एक तो ऑनलाइन हो गया अभी कि ऑनलाइन आप दे सकते हो, बट ऑनलाइन से भी ज़्यादा आप देखोगे कि जैसे ढूंढ करके व्यक्तियों को रिपोर्ट मांगते हैं, जैसे कलेक्टर से समझो रिपोर्ट आ गई कि वास्तव में जिले में ये व्यक्ति ये काम कर रहा है, तो आप देखोगे कई सारे पुरस्कार. आज ही कल वो महिला जो आपने देखा सोशल वर्कर दंगे पे रहा, आज भी मैंने देखा एक महिला जो लेने आई थी सादी स्लीपर पहने हुए और वेरी सिंपल, यानी मगर वो अपना काम कर रही थी, तो उसको ये भी नहीं मालूम. अब उसने जो हाथ में जो उसको पूरा ये मिला जो एक पद्मश्री का ये वो ऐसे रखा, यानी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये रियली ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं. Further, the former Lok Sabha Speaker mentioned about the paradigm shift in Padma Awards by honoring the eminent grassroots personalities in recent years. ये बात तो मैं कहूँगी कि अभी जो पद्म पुरस्कार मिले हैं जितने भी गत 2-3 साल से मैं कह सकती हूँ, वो सही माने में ढूंढ ढूंढ के वास्तव में उस क्षेत्र के अच्छे से अच्छे लोग सभी को ऐसा मिला है नहीं. तो इस दृष्टि से मुझे बहुत ये बात एक बहुत अच्छी लगी कि ढूंढा जा रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है. कुछ ऐसे भी दे रहे हैं कि और हर क्षेत्र के उद्योग जगत के लोगों को मिल रहा है, समझ लो कला क्षेत्र में तो मिल रहा है, सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा मिल रहे हैं, मगर खेल क्षेत्र में या हर इसमें देख देख के ये बहुत एक अच्छी बात. और कहीं ना कहीं लगता है कि कमेटी जो भी बनी है वो सिंसियरली अभ्यास करके स्टडी करके, यानी नॉट ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एनीबडी, मगर वास्तव में कुछ सोच समझ के अभ्यास करके ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं. तो राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये पुरस्कार ऐसे छोटा मोटा नहीं है. द लॉन्ग टाइम पार्लियामेंटेरियन ऑल्सो शेयर्स एन इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव कॉल्ड स्त्री शक्ति पुरस्कार, which she started when she was the Women and Child Development Minister to felicitate common hard-working and diligent women. मैं जब महिला बाल विकास मंत्री थी और उस समय हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की ये हो, तो मेरे मन में ये बातें बहुत, मैंने महिलाओं में बहुत काम किया. उस समय हमने भी बैठ करके सोच के स्त्री शक्ति पुरस्कार शुरू किए थे. मैंने कहा महिलाएं इतना काम करती है, उनको रिकग्निशन कहाँ से मिलेगा. तो हमने राष्ट्रीय स्तर के 5 स्त्री शक्ति पुरस्कार शुरू किए थे कि जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है. तो हम कलेक्टर से भी उस समय भी रिपोर्ट मंगवाते थे, गांव से मतलब वहां से नाम मंगाते थे, प्रदेश से नाम मंगाते थे, और ऐसा करके हम वो 5 पुरस्कार पूरे हिंदुस्तान की 5 महिलाएं हर साल पुरस्कृत. तो एक रिकग्निशन होती है. तो ये पद्म पुरस्कार भी ऐसा है, जो काम आप अच्छा काम करते हो उसका रिकग्निशन है. द फॉर्मर लोकसभा स्पीकर एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग अवार्डेड विद पद्म भूषण एंड सेड दिस. आज तक के जीवन में जितना भी जो भी काम मुझे मिला है वो काम एक साफ सुथरे तरीके से और मेहनत करके उसका अभ्यास करके, जैसे पार्लियामेंट मेंबर होते हुए भी मैं अभ्यास करती थी, स्पीकर होते हुए भी जो बिल लगता है क्या होना है कल क्या नहीं उसका पूरा अभ्यास, ताकि मुझे टोकना भी है किसी को बोलना भी है तो मैं पूरा अभ्यास कर स्टडी कर.
वो करते हुए मैं अपना काम अच्छे से करने से कोशिश की, लेकिन हाँ धन्यवाद तो दे दूंगी कि आज तक एक तो थोड़ा अध्यक्ष का पद जो मिला स्पीकर का, उसने कहीं ना कहीं जो मेहनत में इतने साल करती आई थी वो मेहनत को एक ऊंचाई मिल गई, रिकग्निशन हो गया, और उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना पड़ेगा। उनके साथ मैंने बहुत साल काम किया, वैसे संगठन में भी साथ में काम किया था, हो सकता है उन्होंने कुछ पहचाना होगा क्या कुछ होगा, लेकिन इसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा। इन 2017 द डिसीजन टू ओपन अप रिकमेंडेशन फॉर पद्मा अवार्ड्स बाय रेगुलर सिटीजंस वाज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सिंस देन द अवार्ड हैव रियली कम अ लॉन्ग वे बाय ऑनरिंग द ट्रू हीरोज ऑफ इंडिया। दिस इज इट इन टुडे सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।